अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्विक चीज़ी ब्रेकफास्ट का आइडिया लेकर आई हूँ। लेकिन इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल का आइकॉन है उसे भी हिट कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सके। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इन्ग्रीडियंट्स नोट डाउन करें। ये ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ब्रेड, एग्स, ब्लैक पेपर, ओरिगानो, सॉल्ट, चेडर चीज़ एंड बटर। सबसे पहले एक प्लेट में स्लाइस रख के इसको सेंटर से किसी स्पून की हेल्प से प्रेस कर लें। सिर्फ सेंटर से इसे प्रेस करना है। बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना नहीं तो स्लाइस टूट जाएगा। देखिए व्यूअर्स, इसको इस तरह मैंने प्रेस कर लिया है। अब दूसरे स्लाइस को भी मैं इसी तरह प्रेस कर लेती हूँ। बस सॉफ्टली इसे प्रेस करना है। ब्रेड को ऐसे सेंटर से प्रेस करके रख लें। ब्रेड को अच्छी तरह प्रेस करके अब इसके कॉर्नर्स पे बटर लगा दें। ये देखिए, इसके कॉर्नर्स पे बटर लगा दिया है मैंने। दोनों ब्रेड पे ऐसे ही कॉर्नर्स पे बटर लगा दें। सबसे पहले पैन में बटर ऐड कर दें। इसे मेल्ट कर लें। स्लाइस रख दें। अब इसके सेंटर पे अंडा तोड़ के रख दें। सीजनिंग करें, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ओरिगानो, आप इसके ऊपर मिक्स्ड हर्ब्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब इसके कॉर्नर्स पे चीज़ रख दें। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसे स्टीम पे भी कुक कर सकते हैं या आप इसे ओवन में बेक भी कर सकते हैं। मैं इसे स्टीम कर रही हूँ। इसे कवर करके जस्ट 5 मिनट्स के लिए स्टीम पे रखते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 5 से 7 मिनट मुझे लगे हैं और ये बिल्कुल कुक हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। अगर आपको एग योक हार्ड पसंद है तो आप इसे मज़ीद भी कुक कर सकते हैं। क्विक चीज़ी ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। मज़ेदार सा चीज़ी ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दूसरा स्लाइस इससे डिफरेंट फ्लेवर बनाना सिखाती हूँ। अब सेम पैन में बटर ऐड करें, स्लाइस रख दें। सेम प्रोसीजर, इसके सेंटर पे एग डाल दें, सॉल्ट, कैन पेपर या वो किसी भी अच्छे स्टोर से मिल सकती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है।
इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी डाल दें। मिक्स्ड हर्ब्स, अगेन साइड पे चीज़ डाल दें। मेक श्योर आपके हाथ अच्छी तरह वॉश होने चाहिए। अब इसको अगेन 5 से 7 मिनट्स के लिए स्टीम पे रख दें। ये भी बिल्कुल डन हो चुका है, इसे भी मैं डिश आउट कर लेती हूँ। मज़ेदार सा क्विक ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप ऐसे क्रिएटिव आइडिया से अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट बनाकर दिया करें ताकि वो शौक से खाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।